Hi guys, welcome or welcome back to my channel. And if you're new to my channel, then hi, my name is Sanjana. And आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक रक्षाबंधन के लिए, ताकि आप अच्छे से रेडी होकर अपने भाइयों को लूट सको. एंड अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं, देन प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आगे का वीडियो में वॉइस ओवर मैं कंटिन्यू करूँगी. एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगा का फेस फॉर्वर प्राइमर स्टिक. इसे मैंने अपने टी जोन में अच्छे से लगा के अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है. दिस इज माय करंट फेवरेट प्राइमर. एंड मैं लेंस लगाना भूल गई थी, तो यहाँ मैं वही दिखा रही हूँ कि आईज़ मेरी कितनी ओपन अप और अच्छी दिख रही हैं. एंड देन आई एम यूजिंग शुगा का माइक्रो ब्रो पेंसिल. एंड आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच. ये काफ़ी नेचुरल इफेक्ट देता है और आप इससे काफ़ी नेचुरल स्ट्रोक कर सकते हो अपने आईब्रोज पे. एंड अच्छे से आईब्रोज फिल करने के बाद उसे मैंने ब्रश भी कर लिया है, ताकि वो फेक ना लगे. एंड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मास्क का कंसीलर. ये कंसीलर जब से मुझे मिला है, मैंने इसे यूज़ करना ही नहीं छोड़ा है. सो मैं इससे अपने आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ एज ऑलवेज, क्योंकि आई हैव यूनिब्राउ. एंड अगर आपके ब्राउज शेप में ना हो, आपने ना करवाए हो, तो भी अच्छा शेप आ जाता है इससे. एंड देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ कर्व्स एंड लैशेज के ब्रशेज से. अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट टाइम से ब्रशेज का भी इंफॉर्मेशन दे दूंगी. एंड सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो डू चेक देम आउट. एंड अब मैं फेसेस कैनेडा के कॉम्पैक्ट से अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी. नाउ आई एम यूजिंग मास्क का आई शेडो पैलेट. एंड ब्रश को कभी भी इतने पास से नहीं पकड़ना है, ज़रा दूर से पकड़ के हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, ताकि वो अच्छे से सीमलेस लगे. एंड मैंने ये पिंक कलर लेके अपने पूरे क्रीज एरिया में अप्लाई कर लिया है, बिकॉज मैं हेलो आई मेकअप करने वाली हूँ. एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही कलर्स लेने हैं, आप अपने आउटफिट के हिसाब से भी कलर्स ले सकते हो एंड अपना खुद का आई लुक क्रिएट कर सकते हो. एंड एज यू कैन सी, मैं इसे सर्कुलर मोशन में इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स में ब्लेंड कर रही हूँ. इसे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. एंड आपको तब तक इसे ब्लेंड करना है एंड कलर ऐड करना है, जब तक आपको नहीं लगता कि परफेक्ट कलर है. अब मुझे लग रहा था परफेक्ट कलर है, तो मैंने इसमें और कलर ऐड करना स्टॉप कर दिया है. एंड ये क्लीन ब्रश लेके मैं इसके एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही हार्श ना दिखे और सीमलेसली ब्लेंडेड इफेक्ट आए. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग, तो मेरे ऑलमोस्ट सारे आई ब्रशेस कर्व्स एंड लैशेज के ही हैं. नाउ आई एम यूजिंग मास्क का 16 कलर आई शेडो पैलेट. इसमें से मैंने ये पर्पल कलर लेके अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर में ही ब्लेंड किया है, बिकॉज हम हेलो आई क्रिएट करें तो उसके लिए यहाँ पे ही लगाना है. एंड थोड़ा सा सेंटर में भी ब्लेंड कर लो, ताकि जब हम लोग बीच में से कट क्रीज करेंगे तो अच्छा लुक आएगा. एंड आपका आई लुक कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए. अब आपको एक ऐसा फ्लैट ब्रश लेके इसमें कंसीलर लेके सेंटर ऑफ योर आईलिड में अप्लाई कर लेना है अपने क्रीज एरिया तक. एंड ऊपर से कुछ इस तरीके का हाफ सी बना देना है. यहीं पर आपका हेलो आईज कम्प्लीट होता है. आपको बस सेट कर लेना है इसे, क्योंकि कंसीलर क्रीज ना हो जाए. एंड देन मैं यहाँ पे शिमर शेड लेके अपने हाथों से अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्लैट ब्रश तो मिला नहीं. सो अगर मैसी भी हो गया तो भी हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद जो पर्पल शेड था, उसी को लेके हमें कॉर्नर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ताकि वो ज़्यादा हार्श ना दिखे एंड अच्छा शेप आए उसका. एंड दिस इज़ हाउ इट शुड लुक लाइक. यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का जेल आई लाइनर. एंड इससे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, कोई विंग लाइनर नहीं. एंड देन ऐसा पेंसिल ब्रश लेके आपको उसे स्मोक आउट करना है, ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है. बस जगह पे ही ऐसे ही मोशन देख के आप ब्लेंड कर लो. एंड आपको अपने लैश लाइन के पास ही ये काम करना है, बिल्कुल भी ऊपर लेके नहीं जाना है इसे. अब आपको फिर से जेल आईलाइनर लेके क्लोज टू योर लैश लाइन ही अप्लाई करना है, पूरा स्मोक किया हुआ है उसमें नहीं. एंड जहां पे आपका आईलाइनर खत्म होता है, उसी सेम जगह पे, इस जगह पे सर्कुलर मोशन में आपको वो आईलाइनर को ब्लेंड करना है, ताकि वो आईलाइनर स्मोकी इफेक्ट आए और ऐसा लगे कि खत्म होते होते वो ब्लेंड हो चुका है आई शेडो के साथ. एंड इसे भी बिल्कुल ऊपर लेके नहीं जाना है, जगह पे ही ब्लेंड करना है. अब बढ़ते हैं बेस की तरफ. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर. एंड
एज यू ऑल नो मैं इसे ऑलमोस्ट हर एक अपने वीडियो में यूज़ करती हूँ. आई लव दिस सो मच एंड अभी भी आई मेकअप ख़त्म नहीं हुआ है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा बेस अच्छे से ग्लोइंग दिखे. एंड अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी रक्षाबंधन पे अच्छे से रेडी हो सके. Then I'm using my all time favorite stay with me foundation. I'm in the shade 310 sun beige and इसे मैं dot dot करके अपने face पे apply कर लूँगी and sugar के foundation brush से अपने foundation को अच्छे से blend कर लूँगी. And do not forget अपना hairline and neck and ears वाला area, क्योंकि अगर ये सब एरिया अगर आपने छोड़ दिया तो अच्छे से ब्लेंडेड नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आपने कोई फेस मास्क लगा कर रखा हो. एंड फेस पे भी नोज़ के अराउंड, माउथ के अराउंड एंड माउथ के नीचे वाले एरिया पे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना. नाउ आई एम यूजिंग मास्क का कंसीलर अंडर माई आईज, ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बो पे, चिन पे एंड अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पे, क्योंकि ये लाइट कंसीलर है तो ये हाईलाइट करेगा इन सारे एरियाज को. एंड आपको अंडर आइज का कंसीलर कुछ इस तरीके से ब्लेंड करना है अपवर्ड डायरेक्शन में ताकि वो लिफ्टेड लुक आए. तो अब आप देखोगे कि लेफ्ट साइड का ज़्यादा लिफ्टेड दिख रहा है रादर देन राइट साइड का. एंड अब मैं बाकी का भी कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ. अब मैं सेम फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट लेके अच्छे से अपने अंडर आइज को सेट कर रही हूँ और उन सारे जगहों पे जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है जैसे कि मेरा टी जोन एरिया एंड अंडर माय आईज. एंड बाकी जगह में मैं हल्के हाथ से डस्ट ऑफ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही क्योंकि आई वॉन्ट ग्लोइंग बेस. अब सेम पिंक कलर आपको लोअर लैश लाइन में लगाना है, आप चाहो तो काजल भी लगा सकते हो बट मैंने अवॉइड किया है. एंड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर द फोर्स फेस पैलेट 03 फियर्स फिट. एंड अच्छे से मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी ताकि फेस पे जीवन वापस आ जाए, हमारा फेस मरा हुआ ना दिखे. एंड ये मेरा फेवरेट काम है कॉन्टोर करते करते करना. एंड अपने कॉन्टोर को भी अच्छे से ब्लेंड करना. एंड अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश बहुत ही कम, फिर भी मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने अपने पाउडर ब्रश से उसे थोड़ा सा कम कर दिया. अगर आपका ब्लश कभी भी ज़्यादा हो जाए तो आप ये हैक यूज़ कर सकते हो. अब मैं हाईलाइट करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स को, ब्राउ बोन को, क्यूपिड बो को, ब्रिज ऑफ द नोज को ताकि मेरा फेस अच्छे से हाईलाइटेड लगे एंड चीक बोन को ताकि हम अच्छे से चमक के अपने भाइयों को लूट सके. एंड देन आई एम यूजिंग माई ग्लैम का मस्कारा. आई लव दिस मस्कारा सो मच, कितना अच्छा इफेक्ट देता है एज यू कैन सी. देन आई एम यूजिंग रेने का स्टे विद मी लिक्विड लिपस्टिक इन दिस शेड डिजायर फॉर ब्राउन. आई लव दिस शेड एंड ये बहुत देर तक टिकी रहती है लिपस्टिक. एंड इसे अच्छे से अप्लाई करके मैं आती हूँ फुल्ली रेडी होके. सो गाइज हियर इज द फाइनल लुक. आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. एंड अब सारे फेस्टिव सीजन पे आपको लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोज भी मिलेंगे ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा पाऊँ मेकअप लुक. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय.